हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। तो आज मैं आपके साथ में ये आई मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही इजी वे में मैंने क्रिएट किया है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से 3 डॉट्स बना देने हैं। मैं सी शेप आई मेकअप करने वाली हूँ, तो आपको सेंटर एंड स्टार्टिंग पॉइंट पर 3 पॉइंट बना देने हैं और फिर इसे ब्लेंड करते जाना है। इस ट्रिक से आई मेकअप करना बहुत इजी हो जाता है और आपका आई मेकअप बिल्कुल भी मैसी या फिर ख़राब नहीं होता है, बिल्कुल आराम से आप इसे ब्लेंड कर पाते हो। तो आपको इसे अच्छे से ब्लेंड कर देना है और आप कलर अपनी मर्ज़ी का कोई भी ले सकते हो, एक कोई भी ट्रांजेक्शन कलर आपको लेना है और फिर इसे अच्छे से ब्लेंड कर देना है। और इसे अच्छे से ब्लेंड कर देने के बाद में आपको कोई भी वॉर्म कलर लेना है जो कि वॉर्म टोन में हो, आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग ले सकते हो और फिर उसे क्रीज लाइन पर ब्लेंड करते जाना है। आपकी ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी आई मेकअप उतना ही अच्छा लगेगा, तो आपको इसे अच्छे से ब्लेंड करते जाना है। मैंने ये कलर लिया है और फिर मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी के मेटेलिक आई शेडो। इस प्रोडक्ट का रिव्यू मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। बहुत ही अमेजिंग लिक्विड आई शेडोज़ हैं और बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं। आप देख सकते हो कि आईज़ पे इसे लगाते ही कितना अच्छा लुक क्रिएट हुआ है और ये एप्लीकेशन करना भी बहुत ही इजी होता है और बहुत ही क्विकली आपका आई मेकअप भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसे भी मैंने सी शेप में ही लगाया है और जो हमने आईज़ के ऊपर किया था सेम वही प्रोसेस हम आईज़ के नीचे भी करेंगे। सेम कलर को हमें ब्लेंड करते जाना है और आपको कोई भी पेंसिल ब्रश का जो कि स्मॉल हो उसका यूज़ करना है ताकि काम करना ईजी हो जाता है। एंड अब मैंने लैक्मे का आईलाइनर यूज़ किया है और आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी शेप का आईलाइनर बना सकते हो। मैंने यहाँ पर एक विंग क्रिएट किया है। विंग आईलाइनर इस आई मेकअप लुक पे बहुत अच्छा लगता है, आई लुक और भी अच्छा दिखाई देता है। एंड अगर आपकी छोटी आईज है ना तो वो भी अच्छी बड़ी दिखाई देती है विंग क्रिएट करने से। एंड मैंने पर्पल ब्रांड का काजल यूज़ किया है और इसे अपर वाटरलाइन एंड लोअर वाटरलाइन दोनों पर अप्लाई कर दिया है और आईज़ के इनर कॉर्नर पर भी मैंने सेम लिक्विड आई शेडो का ही यूज़ किया था एज अ हाईलाइटर। एंड अब मैंने ब्लैक आई शेडो लिया है और इसे लोअर लैश लाइन पे ब्लेंड कर दिया है ताकि थोड़ा सा स्मोकी लुक आए। एंड सेम वॉर्म आई शेडो को मैंने दोनों को ब्लेंड करने के लिए यूज़ किया है और आई मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो मस्कारा लगा दिया है मैंने, अच्छे से मस्कारा की कोटिंग कर दी है एंड उसके बाद में लैशेज अप्लाई करना है। लैशेज मैंने यहाँ पर थोड़े से हैवी यूज़ किए हैं, अच्छे मिंक लैशेज यूज़ किए हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी लैशेस यूज़ कर सकते हो पर मिंक लैशेस का लुक इसमें बहुत अच्छा आता है, आपके आई लुक को और भी अट्रैक्टिव बना देता है। तो लुक कंप्लीट है, आप देख सकते हो कितना इजी था इस लुक को क्रिएट करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और भी इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए।